तो भाई मैं एपिसोड 10 के संग वापस आ गया हूँ। तो भाई जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ पर हमारे सियोल भैया मतलब वो सॉल्वे में फंसे हुए होते हैं और उन्हें जो हमारे सिम जोंग भैया होते हैं उन्होंने मतलब उन्हें चाकू से बार किया होता है, और वहां पर जो हमारे के भैया होते हैं वो उनसे कहते हैं कि भाई मैंने भी किसी को मारा है और मेरे पार्ट की स्टोरी तुमने अभी तक सुनी नहीं है। तो भाई यहाँ से जो हमारा एपिसोड है उसकी स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हमारे सियोल भैया अपनी बचपन की पुरानी यादों में चले जाते हैं, जहाँ पर वो मतलब जियोंग योन हो के संग बैठे हुए होते हैं और जो जियोंग योन हो है वो उनसे कह रहे होते हैं कि क्यों ना हम दोनों साथ में उसे मारे। तो भाई यहाँ पर किसकी बात चल रही है, यहाँ पर ये दोनों अपने जो फादर है उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जियोंग योन हो सियोल भैया से ये कह रहे हैं कि तुम मेरे फादर को मारो और मैं तुम्हारे फादर को मारता हूँ। तो मतलब यहाँ पर बिल्कुल एक्सचेंज ऑफर चल रहा है भैया। तो भाई उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो रियलिटी में आ जाते हैं, जहाँ पर उनके सामने के भैया खड़े हुए होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर मर्डरर बनाया है और मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सियोल भैया कहते हैं कि तुम बकवास अपनी बंद करो और कुछ समय के लिए शांत रहो, कृपा करके भाई शांत। और उसी के बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो मतलब यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और जो हमारे के भैया होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। तो भाइयों अब क्या होगा यहाँ पर, क्या हमारे के भैया वास्तव में चले गए या फिर लौट के आएंगे? तो भाई उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो हमारे डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं, मतलब कि मेरे फेवरेट पर्सन के पास। भाई इसने बड़ा दुख झेला इस एपिसोड में। तो भाई यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर साहब होते हैं वो हमारे सियोल भैया से कहते हैं कि एक बार मुझसे के मिलने आया था और उसने भी मुझसे ऐसी बात की थी कि उसे ऐसा लगता है कि उसने किसी को मारा है। तो यहाँ पर हमारे सियोल भैया कहते हैं कि भाई उसने ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, मतलब मैंने किसी को मारा है, मैंने तुम्हें मर्डर बनाया है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और क्या ऐसा हो सकता है कि वो वास्तव में चला गया हो यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि के क्यों आया है तुम्हारी लाइफ में? तो यहाँ पर हमारे सियोल भैया कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, वो हमेशा हीरो बनने की बातें करता रहता है और अब वो खुद ही यहाँ पर मर्डर बनना है। तो हमारे डॉक्टर साहब उनसे कहते हैं कि के तुम्हारी लाइफ में हीरो बनने के लिए नहीं आया है, वो यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आया और केवल तुम्हें ही प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे सियोल भैया इस बात को सुन के मतलब पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। तो हमारे सियोल भैया को अभी समझ में आ जाता है कि क्या के भैया अब वास्तव में चले गए, क्या वो कभी लौट के नहीं आएंगे? तो यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उनसे कहते हैं कि तुम ये बात गलत कह रहे हो, के किस लिए है? के तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है और जब भी तुम मुसीबत में होंगे तो वो जरूर आएगा। तो भाई उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो कहते हैं कि कहीं ये सब जियोंग योनो का प्लान तो नहीं, उसको पता है कि मेरी जो याददाश्त है अभी पूरी तरीके से वापस नहीं आई है और उसने एक ऐसा प्लॉट तैयार किया जिसमें जो हमारे के भैया है वो भी फंस जाए और इस चीज पर विश्वास कर ले कि उन्होंने ये मर्डर किया है। तो यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर साहब होते हैं वो कहते हैं कि ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि भाई ये गैस लाइटिंग का मतलब एक बेसिक स्टेप होता है। तो यहाँ पर जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो कहते हैं कि अगर ये सब उसका प्लान है तो भाई उसने गलत आदमी से पंगा लिया है, क्योंकि भाई अब अपन उसको बताएगा कि भाई प्लान कैसे करके बनाया जाता है और उसे कैसे करके खेला जाता है। तो उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो कहते हैं कि अगर ये उसका प्लान है ना तो भाई बिल्कुल उसके प्लान के अकॉर्डिंग काम करेगा, और यहाँ पर जो कातिल स्माइल होती है ना वो भाई यहाँ पर मतलब प्रूव कर देती है कि भाई आगे बहुत ही अच्छा गेम होने वाला है। तो भाई उसके बाद जो हमारे भैया होते हैं वो हमारे सियोल भैया कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं कि अभी मुझे पता चला है कि गीसा योन को मतलब किसी का कॉल आया था, उसके बारे में पूछ रहा था। तो उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं उनसे कहते हैं कि तुम्हें उसके घर का एड्रेस पता है ना, तो मुझे जल्दी से टेक्स्ट कर दो। तो भाई उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं उनके घर पर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें मतलब कुछ कार्टून लोग मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर हमारे गीसा योन को या फिर उनके घर पर कुछ चीज़ चुराने आए होते हैं, और उसमें से जो हमारा एक अलग ही मेम्बर था भाई पुराना भाई वो भी यहाँ पर पकड़ा जाता है। हमारे सियोल भैया से कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें भाई देख लेगा। तो भाई उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो उसी घर के बाहर खड़े हुए होते हैं और वहाँ पर उन्हें मतलब कुछ चीज़ दिखती है जिससे उन्हें समझ में आता है कि जो हमारे सिम जोंग भैया है वो कहाँ पर मिलेंगे। और उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो एक रेस्टोरेंट के पास पहुँच जाते हैं, और उसके अंदर जैसे ही जाते हैं वहाँ पर उन्हें सिम जोंग भैया मिल जाते हैं। तो उनसे कहते हैं कि भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारा प्लान नहीं था, तुम्हें किसी ने मतलब धमकाया है, तो भाई टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं तुम्हारे संग हूँ और जो कुछ भी तुम्हारे संग हुआ है वो सब मैं संभाल लूंगा। तो यहाँ पर हमारे सिम जोंग भैया उनसे कहते हैं कि क्या तुम उस लड़की को बचा पाए यहाँ पर? यहाँ पर हमारे सियोल भैया कहते हैं कि हाँ मैं उस लड़की को नहीं बचा पाया, पर मैं तुम्हें तो बचा सकता हूँ ना, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो यहाँ पर, मैं तुम्हारे संग हूँ। तो भाई तभी वहाँ पर एक टेलीफोन रखा हुआ होता है, उस पर कॉल आता है। तो यहाँ पर हमारे सियोल भैया उस कॉल को उठाते हैं और वहाँ पर जो बंदा होता है वो क्या बोलता है कि जे हुई तुम कैसे हो? तो यहाँ पर हमारे सियोल भैया मतलब कहते हैं कि जोंग योनो। तो यहाँ पर जो हमारे जियोंग योन भैया होते हैं वो कहते हैं कि तुमने मुझे पहचान लिया, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ? तो यहाँ पर हमारे सियोल भैया कहते हैं कि तुमने इन बच्चों के साथ क्या किया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो चुका है? तो यहाँ पर जो हमारे जियोंग योन भैया होते हैं वो कहते हैं
कि तुम अभी बिल्कुल नहीं बदले, तुम अभी भी मुझे डरे हुए देख रहे हो। तो भाई उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो एकदम मतलब फोन को छोड़ देते हैं और एकदम बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये मुझे कहाँ से देख रहा है, और मतलब उन्हें बाहर कोई दिखता तो नहीं है। पर जैसे ही वो अंदर आते हैं तो वहां पर जो हमारे सिमजोंग भैया होते हैं वो भी वहां से मतलब गायब हो जाते हैं। तो मतलब जियोमियोन भैया भी गए और सिमजोंग भैया भी गए, कुछ नहीं बचा। तो भाई उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो यहाँ पर एक बंदे को इंटरोगेट कर रहे होते हैं, और वो बंदा हमारा पाक सियोंग का मतलब दोस्त वगैरह होता है। तो यहाँ पर हमारे सियोल भैया एकदम हो गए, कॉल करते हैं उनसे, कहते हैं कि पाक सियोंग को यहाँ पर अरेस्ट कर लो, उसका अरेस्ट वारंट निकल चुका है। तो भाई जैसे ही हमारे ओगेंग से भैया जाते हैं उन्हें अरेस्ट करने के लिए, वैसे ही हमारे पाक सियोंग भैया मतलब वहां से निकल लेते हैं, मतलब भागने की कोशिश करते हैं। तो भाई जब हमारे पाक सियोंग भैया भाग रहे होते हैं तभी वहां पर हमारे सिमजोंग भैया आते हैं और एक रॉड से मतलब उनके सिर पर मारते हैं और उन्हें वहीं पर मतलब गिरा देते हैं, और उसके बाद वो उन्हें उठा के अपने संग ले जाते हैं। तो भाई उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो यहाँ पर मतलब पता लगवाते हैं कि हमारे सिमजोंग पाक सियोंग को लेकर कहाँ पे गया है। तो भाई उसके बाद हमारे सियोल भैया को उनकी लोकेशन मिल जाती है, और वो लोकेशन पता है कहाँ की होती है, वो लोकेशन उसी हॉस्पिटल की होती है जहाँ पर हमारे घीसा ही उनको मतलब रखा हुआ होता है। तो भाई उसके बाद हमारे सियोल भैया ओगेंगते भैया कॉल करते हैं, उनसे कहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम उस हॉस्पिटल में पहुंचो, और मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि ये कोई ट्रैप नहीं है। तो उसके बाद हमारे सियोल भैया मतलब उस हॉस्पिटल की टेरेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर हमारे सिमजोंग भैया पाक सियोंग को मतलब बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। तो भाई उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो सिमजोंग को रोक लेते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई तुम ऐसा कुछ भी मत करो, यहाँ पर पाक सियोंग को हम अरेस्ट करने ही आए हैं, अब वो बचेगा नहीं। तो यहाँ पर हमारे सिमजोंग भैया उनसे कहते हैं कि अरेस्ट करने से क्या फायदा भाई, अगर मैंने इसे नहीं मारा तो वो बंदा घीसा योन को मतलब वहां पर मार देगा, और वो इस समय हम दोनों को यहाँ पर देख रहा है। तो भाई उसके बाद हमारे सियोल भैया देखते हैं कि एक बंदा मतलब दूर किसी बिल्डिंग में ये सब चीजें देख रहा होता है। तो भाई उसके बाद हमारे सियोल भैया कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि ये बंदा जोंग योनो ही है। तो उसके बाद हमारे सियोल भैया मतलब एकदम भागते हुए हॉस्पिटल की ओर जाते हैं, और वहां पर देखते हैं कि घीसा योन अभी भी ठीक है, पर वहां पर वो उसी बंदे को देखते हैं और हमारे सियोल भैया मतलब उसका पीछा करने लगते हैं, और आखिरकार हमारे सियोल भैया मतलब उसको पकड़ लेते हैं, और वहां पर एक अच्छी सी फाइट होती है जिसमें हमारे सियोल भैया मतलब बहुत ही बुरी तरीके से कुटते हैं और पिटते हैं। तो भाई तभी हमारे सियोल भैया अपने जो फ्लैशबैक होता है उसमें वापस चले जाते हैं, और उन्हें अब याद आ जाता है कि उस रात क्या हुआ था जहां पर हमारे जियोंग योनो हमारे सियोल भैया को मतलब मार रहे होते हैं। और भाई तभी वहां पर हमारे के भैया की एंट्री होती है, और वो मतलब हमारे जियोंग योनो को यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। और भाई उसके बाद जो हमारे के भैया होते हैं उन्हें मारते मारते उनके ऊपर जो खून होता है वो लग जाता है, और वो अपने हाथ में मतलब जो नाइफ होता है उसे उठा लेते हैं। तो भाइयों अब आप समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है, कि भाइयों जो हमारे के भैया की जो मेमोरी है किसी को मारने वाली, और भाइयों जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि उनके हाथ में नाइफ था और उनके कपड़ों खून लग गया, तो भाइयों ये खून ऐसे करके लगा है, और जो उनके हाथ में नाइफ है वो भी ऐसे करके आया है। और यहाँ पर हमारे के भैया ने किसी को मारा नहीं है, वो यहाँ पर हमारे सियोल भैया को बचाने आए हैं, और यहाँ पर वो हमेशा ही हमारे सियोल भैया को बचाने ही आए थे। तो भाई उसके बाद जो हमारे के भैया होते हैं यहाँ पर मतलब बिल्कुल हीरो की तरह खड़े हुए होते हैं, और वो कहते हैं कि मैं अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस करता हूँ, और वो कहते हैं कि मैं और किसी का हीरो नहीं हूँ, मैं ओनली सियोल का हीरो हूँ, और मैं सियोल एक्शन स्टार हूँ, और वो मतलब यहाँ पर दो तीन नाम गिना देते हैं। और भाई उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो मतलब भाई इतनी अच्छी तरीके से हंसते हैं, अच्छी से मतलब भाई क्या बताऊँ भाई, वो खुशी उनके चेहरे पर होती है ना भाई, ऐसा लगता है कि उन्हें मतलब सब कुछ मिल गया हो। तो भाई उसके बाद जो हमारे के भैया होते हैं वो यहाँ पर उस बंदे को बुरी तरीके से मारते हैं, और जो उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ होता है उसे हटाते हैं, उसे कहते हैं कि क्या तुम ही जोंग योनो हो, और तभी वो बंदा कहता है कि सबसे पहले जो तुम्हारे मोबाइल में जो रिंग बज रही है उसे सबसे पहले तुम आंसर करो, और तुम्हें तब पता चलेगा कि भाई मैं कौन हूँ। तो भाई जैसे ही हमारे सियोल भैया उसे आंसर करते हैं तो वहाँ पर हमारे जोंग योनो भैया मतलब उनसे बात कर रहे होते हैं, और उनसे कहते हैं कि मैं जानता था कि तुम अकेले नहीं हो, यहाँ पर तुम्हारे संग और कोई भी है। तो यहाँ पर हमारे जियोंग योनो भैया को पता है कि भाई यहाँ पर के भैया भी उनके संग हैं, और उधर हमारे सियोल भैया सिमजोंग को अपने घर पर लेके आते हैं और मतलब उन्हें खाना वगैरह खिलवाते हैं, और उसके बाद जो मतलब उनकी जेल होती है उन्हें वहां पर छोड़ के आ जाते हैं। भाई उसके बाद जो हमारी सियोल भैया की मॉम होती है वो हमारे सियोल भैया से कहती है कि उस दिन तुम जिस लड़के को लेके आए थे वो ऐसा लगता है कि उसे मेरा खाना पसंद आया है, तो मैंने उसके लिए कुछ खाना पैक कर दिया है, तो तुम उसे दे देना। तो यहाँ पर हमारे सियोल भैया उन्हें खाना देने जाते हैं सिमजोंग को, और वो उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछने नहीं आया हूँ, अगर तुम यहाँ पर मुझे कुछ बता देते हो तो भैया बड़ी मेहरबानी होगी। तो भाई उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो यहाँ पर हमारे सिमजोंग के पास आते हैं, और उनसे कहते हैं कि भाई जो वो बंदा है उसे अब मजा आ रहा है इस गेम को खेलने में, और ये बहुत ही ज्यादा हॉरिबल गेम है। तो यहाँ पर हमारे सिमजोंग उनसे कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब वो तुम्हारे संग खेल रहा है। तो उसके बाद हमारे सियोल भैया उनसे कहते हैं कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर स्प्लिट पर्सनैलिटी की एक बीमारी है।
तो यहाँ पर हमारे सिंजु युग भैया मतलब कोई रिएक्शन नहीं देते। तो यहाँ पर हमारे सिविल भैया उनसे पूछते हैं कि क्या आपको इसके बारे में कुछ पता था। तो यहाँ पर हमारे सिंजु युग भैया उनसे कहते हैं कि मुझे पहले से ही ऐसी भनक लग गई थी कि तुम्हें इस टाइप की कोई बीमारी है। और भाई उसके बाद जो हमारे सिविल भैया होते हैं वो उनकी क्लिनिक से बाहर आ ही रहे होते हैं और तभी रास्ते में वो एक और फ्लैशबैक में वापस चले जाते हैं। और भाइयों ये फ्लैशबैक पता है किसका है? तो भाइयों ये फ्लैशबैक जब हमारे सिविल भैया हमारे सिमजियों को वो खाना देने गए थे, तो भाई उसके बाद जो हमारे सिमजियों भैया होते हैं वो उनसे कहते हैं कि मैंने उस रात बेकियों को वहां पर देखा था और वो मतलब रो रही थी और उसके सामने वो बंदा खड़ा हुआ था। और यहाँ पर हमारे सिमजियों भैया उनसे कहते हैं कि वो वहां पर ये भी कह रही थी कि मैं ये नहीं करना चाहती, पर वो जो बंदा था वो मतलब यहाँ पर उसे ये सब चीज करने के लिए मतलब फोर्स कर रहा था। और उसके बाद हमारे सिमजियो भैया उनसे कहते हैं कि वहां पर हमारी जो बेकियोंग है वो ये भी कह रही थी कि ये मैं नहीं करना चाहती। तो भाई उसके बाद जो हमारे सियोल भैया होते हैं वो कहते हैं कि वो कौन है। और उसके बाद हमारे सियोल भैया अपने ही मुंह से उसका नाम लेते हैं जो कि भाई क्या है, सिन जू युक। तो भाई हमारे थेरेपिस्ट भैया ही जोंग युन यो है भाई यहाँ पर, तो यार ये लोग खेल गए यार। तो भाई उसके बाद हमारे सियोल भैया मतलब पीछे मुड़ के देखते हैं और यहाँ पर हमारे सिंजोग भैया भी मतलब उस दीवार पर खड़े हुए होते हैं और यहाँ पर हमारे सियोल भैया मतलब उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं और वहाँ पर हमारे सिंजोग भैया मतलब एक स्माइल दे रहे होते हैं। और भाई यहीं पे जो हमारा एपिसोड है वो मतलब एंड हो जाता है। तो भाई आगे के खेल को देखते हुए हम अगले एपिसोड के संग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।